सर एक गैस रिसाव हुआ है, कितने लोगों की यहाँ पर हादसे में मौत हुई है, आप लोग मौके पर हैं, क्या है? एक दरी फैक्ट्री है और वहाँ पे कुछ लेबर स्थानीय और कुछ बाहर काम करते हैं और बगल में एक केमिकल फैक्ट्री है, छोटे स्तर की फैक्ट्री है लेकिन वहाँ पे मजदूर जो काम करते हैं वो बगल में ही रहते हैं और ऐसी जानकारी मिल रही है या ऐसा अनुमान है कि बगल में केमिकल फैक्ट्री से कोई रात को टैंकर से कुछ सामान उतरा है और जो लिक्विड उस पर उतरा है वहाँ से कुछ लिक्विड नीचे गिरा है और उससे कोई जहरीली गैस का रिसाव हुआ है और ये लोग बगल में जहाँ पे निवास करते थे मजदूर लोग उसमें उस रिसाव से दिक्कत हुई है और फिर वर्तमान में मौके पर 7 डेड बॉडी जिसमें 3 पुरुष हैं, 2-3 बच्चे हैं और एक महिला है, उनकी डेड बॉडी वहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या ये लोग फैक्ट्री में काम नहीं करते थे? अब ये तो जांच का विषय है, ये हम लोग जांच कर रहे हैं। कितने बजे की घटना है ये? अब ये घटना तो स्थानीय पुलिस को 10 बजे के आसपास मालूम हुआ है और उसके बाद वो लोग तुरंत रेस्क्यू में जुट गए हैं। मौके पर संबंधित मजिस्ट्रेट, पुलिस उपाधीक्षक और थाने की टीम स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को वहाँ से जो लोग भी रहे हैं उनको हटाने का काम। सर कैसे फैक्ट्री चल रही थी, इसके सारे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट? अब इसमें GM DIC को हमने बुलाया है, वो आ रहे हैं और साथ ही साथ अन्य जो भी अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं, पर्यावरण विभाग के भी अधिकारियों को, प्रदूषण के अधिकारियों को मैंने बुलाया है, आकर के पूरी जांच होगी तो उसके बाद स्थिति। डॉक्यूमेंट्स ना पूरे होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जो भी विधिक कार्रवाई होगी, जो नियमानुसार शक्तियाँ प्राप्त हैं, प्राविधान जो भी हैं, वो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। क्या फैक्ट्री का मालिक हिरासत में लिया गया? फैक्ट्री के मालिक की तलाश में उसको लगातार बुलाया जा रहा है और उसे बुला करके उससे पूछताछ करके आगे की जो रणनीति होगी वो किया जाएगा। सर इसमें कुछ और भी लोग फंसे हुए हैं? अभी तो फिलहाल कोई वहाँ पे, आप लोग भी मौके पर हैं और वहाँ पे जो भी स्थिति है वो यही है कि साथ। सर किस तरह का केमिकल गैस किया जा रहा है? अब ये NDRF की टीम बुलाई गई है, NDRF की टीम आ रही है, आने के बाद जो है पूरा स्थिति मालूम होगा और ये अग्निशमन विभाग के लोग हैं वो लोग बताएंगे। से उनसे मुलाकात हो जाती है, डिटेल उनसे पूछ करके कि उनके पास लाइसेंस है या अथवा नहीं है, सही तरीके से चल रहा है या गलत तरीके से चल रहा है, तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सर मौके पर क्या स्थिति देखी, कैसे क्या हुआ कुछ ऐसे? मौके पर एक टैंकर मिला है बगल में, एक हाथा है उस हाथे के अंदर एक टैंकर है, उस टैंकर से कुछ गैस, कुछ केमिकल का, कुछ केमिकल बहाया गया है और उस केमिकल के द्वारा जो है कोई गैस निकली है, संभवतः उसी गैस के निकलने से बगल में जो दरी का काम करने वाले मजदूर हैं उनकी झोपड़ियों तक वो पानी गया है और उस पानी से गैस निकला है, उससे संभवतः मृत्यु भी। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है तो क्या राहत मदद के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश मिला है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि तत्काल जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई हो उसे की जाए। NDRF की हैजर्डस की टीम एक यूनिट अभी पहुंची है, उनके DC से लगातार मेरा बात हो रही है और कितना भी इनिशियल प्रिकॉशंस फोर्स को और यहाँ आसपास के कर्मचारी है तो वो लिया जा रही है, कितने भी आसपास के लोग हैं, फर्स्ट एड के कैंप सेट किया गया है, TMO की टीम है, वो लोग इनिशियल फर्स्ट एड्स और सारे चीज़ें करें, अभी भी वो धुआँ और स्मेल और उसकी इंटेंसिटी काफ़ी एरिया से आपको भी महसूस हो रहा होगा, तो हम लोग से यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से थोड़ा आइसोलेशन क्वार्टर मेंटेन करें, सब दैट एक्सपर्ट्स आकर उसको देखकर उसको टेस्ट ना करें, उसके पहले कोई निर्णय लेना ठीक नहीं है। अभी फिलहाल 7 लोगों को मृत्यु हुआ है और इसके अलावा आसपास में कितने भी लोग हैं उसको भी हम सर्च कर रहे हैं, उसके बाद ही फाइनल हम बताएंगे, बट पुष्टि इतना हुई 7 लोगों को मृत्यु हुआ है। मैंने DM साहब और CMO साहब और हमारे द्वारा किया गया है, प्रथम दृष्टि से ये लग रही है एक टैंकर से कुछ लिक्विड निकला है, केमिकल निकला है, उसी से कुछ फ्यूम्स है और पॉइजनस फ्यूम्स लग रहा है, उसी वजह से ही इनके प्रमुख ऐसी मृत्यु हुआ है। कुछ 2-3 जानवर भी मरे पड़े हैं। इसके अलावा कॉर्डन बनाकर 300 मीटर को हमें कॉर्डन बनाने की आवश्यकता है, ये NDRF के माध्यम से भी सूचना मिली थी और कितने भी सर्च कर रहे हैं, इसके अलावा कोई किसी कोई बीमार तो नहीं है, कोई बेहोश तो नहीं है, अभी तक 7 लोगों की मृत्यु का पुष्टि हुआ है, उनके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम का कार्रवाई कर दिया जा रहा है। इसके अलावा कितने भी इन्वेस्टिगेशन एंगल पे कितने भी मालिक है जिनको टीम गठित करके उनको ढूंढा जा रहा है, इसके अलावा आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।